हेलो दोस्त, अभी कुछ दिनों पहले हमने दुबई में आने वाली बाढ़ के बारे में देखा था, जिस बाढ़ की वजह से दुबई में और यूएई के बाकी शहरों में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। हमने भी दुबई के बाढ़ के बारे में वीडियो बनाई थी, जो कि आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज दुबई के बाद ऐसी बाढ़ पाकिस्तान में भी आ गई है और बहुत ही भारी मात्रा में वहाँ का नुकसान भी हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में उन इलाकों की सिचुएशन कैसी है जहाँ बाढ़ आई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है देश में ऐसी बाढ़ आने के बाद गवर्नमेंट को क्या क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ आने की वजह से देश में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई है। इन फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाढ़ की लेवल क्या है। सैटेलाइट से बाढ़ की जो फोटोज ली गई है कि इस बाढ़ ने कितना नुकसान किया है। इस बाढ़ की वजह से सिंध प्रांत में 100 किलोमीटर बड़ी झील बन गई है। पाकिस्तान में जो फसल थी उनमें ज्यादा से ज्यादा फसल का हिस्सा पानी के नीचे चला गया है। पाकिस्तान में इस बाढ़ की वजह से टोटल 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो सैटेलाइट से इमेज ली थी उसे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी बाढ़ है और पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से में पूरा पानी भर चुका है। अब उस पानी की वजह से कई सारी बीमारियां फैलने के भी चांसेस है। इस बाढ़ का सीधा असर लोगों के खाने पर पड़ रहा है, क्योंकि पानी में बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई है। 30 अगस्त को ESA ने जो इमेज ली थी उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में नॉर्मल बारिश से 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से सिंधु नदी के पानी का प्रेशर बढ़ गया है और एक बड़ी झील बन गई है। तो इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान अनाज की कमी और अनहेल्दीनेस का सामना कर रहा है। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के तहत 27 मिलियन लोगों के पास इस बाढ़ से पहले ज्यादा अनाज और खाने का सामान अवेलेबल नहीं था। बाढ़ आने से उनकी सिचुएशन बिगड़ गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यकारी चीफ साले सईद ने कहा है कि अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन को बचाना है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। कई फसलें पानी में बह गई है और बहुत सारे जानवर और पक्षी भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 30 अगस्त को ये कहा था कि लोग खाने की कमी का सामना कर रहे हैं और टमाटर और प्याज जैसे बुनियादी चीजों का भी दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और शरीफ ने ये भी कहा कि मुझे अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और मैं लोगों को ऐसे भूखे मरने नहीं दे सकता। दोस्तों, WHO ने पाकिस्तान की इस बाढ़ को सबसे ज्यादा खतरनाक बाढ़ में रैंक किया है और इस बाढ़ की वजह से खतरनाक बीमारियां भी फैल सकती है, ये चेतावनी भी WHO ने दी है। WHO ने इस बाढ़ के बाद डायरिया से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि त्वचा संक्रमण, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर चेतावनी भी दी है। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की इस बाढ़ ने बीमारियों का भी जोखिम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की संस्था यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार जून से लेकर अब तक 1100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें की 400 से ज्यादा बच्चे शामिल है और इस बाढ़ की वजह से लाखों लोग परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान में मानसून मौसम में आमतौर पर ज्यादा बारिश होती है। अगर 1961 के मानसून रिकॉर्ड को देखें तो इस साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। NDMA के अनुसार दक्षिणी सिंध और बलूचिस्तान के कई प्रांतों में 30 अगस्त को नॉर्मल बारिश के मुकाबले 500 गुना ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से गांवों, खेतों और शहरों में भारी मात्रा में पानी घुस चुका है। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इस बाढ़ की वजह से तबाह हो गई है। दोस्तों, CNN के रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया देशों में जलवायु मुसीबतों का और ज्यादा गर्म मौसम तक का सामना किया है, जैसे कि UAE और पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि एनवायरनमेंट विनाश की तरफ जा रहा है। गुटेरेस ने यह भी कहा कि साउथ एशिया दुनिया का जलवायु संकट के हॉटस्पॉट में से एक बन चुका है, तो जो लोग इस हॉटस्पॉट में रहते हैं उनकी मौत होने के चांसेस 15 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये बाढ़ देश में सबसे खराब बाढ़ है। इस बाढ़ ने पाकिस्तान के करीब $10 बिलियन का नुकसान किया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान के अनुसार 33 मिलियन से भी ज्यादा लोग यानी पाकिस्तान की 15% आबादी पर इस बाढ़ का इफेक्ट हुआ है। 1,000,000 से भी ज्यादा घर या तो उनका नुकसान हुआ है या फिर वो घर तबाह हुए हैं और 5,000 से भी ज्यादा किलोमीटर तक जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ ने 2 मिलियन एकड़ फसलों को बर्बाद किया है। कई जिलों के रिपोर्ट के अनुसार 800 से भी ज्यादा हेल्थ सर्विस डैमेज हुई है, जैसे कि क्लिनिक्स, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज तक नहीं मिल पाई है। WHO की ओर से पाकिस्तान को इस बाढ़ से निपटने के लिए $1 करोड़ दिए गए हैं, जिससे कि पाकिस्तान अपने नुकसान की भरपाई कर सके और लोगों की हेल्थ पर फोकस किया जा सके। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में आई हुई बाढ़ की सिचुएशन। तो दोस्तों, इससे पता ही चल गया होगा कि पाकिस्तान में फिलहाल के लिए सिचुएशन कैसी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आई हुई बाढ़ की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।